लाहौरी है इतवार को निकलते हैं स्पेशली नाश्ते के लिए, और ये वो दुकान है जो इतवार को खुलती नहीं भाई, बंद होती है। फजर की नमाज से तकरीबन डेढ़ घंटा पहले खोल लेते हैं और फजर से पहले फारिग। उस्ताद में नोगे पाए हर लाहौरी मजे से खाए। रिसेंटली हम शिफ्ट हुए हैं डिफेंस, बर्गर बच्चे भी पाए खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबूत आपके सामने है। 4:30 के बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप लेट निकल रहे हैं फिर गाड़ी नहीं मत आइएगा। आज की अंदरून कहानी लाहौर के उस नाश्ते के बारे में है जो पिछले 50 साल से लोगों को रात के गुप्त अंधेरे में लजीज तरीन पाए खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, स्वाद मनु श्री पाए का बेटा हूँ। ये काम हमारे वाला साहब ने स्टार्ट किया तकरीबन 1971 में, जब जंग लगी है 1971 की, उसके बाद मेरे वाला साहब को श्री पाए का शौक पड़ गया। वाला साहब ने छोटे से पतीले में काम स्टार्ट किया था। मेरे वाला साहब बताते हैं कि मैं यार सुबह के टाइम बैठता था, मैं शाम 5-5 बजे तक बैठा रहता था। उन्हीं की वजह से खाना ये कारोबार चला हुआ, वाले साहब की वजह से, और वही रूटीन से चलता आ रहा है। बेसिकली हमारी टाइमिंग जो थी पहले वो 6 बजे की थी, 6 बजे से हमारे ऊपर टाइमिंग आई 5 बजे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड ज्यादा हो गई, तो डिमांड की वजह से हमने टाइमिंग पीछे करते करते वो हमारा टाइमिंग जो है ना अब 3 बजे तक आ गई हुई है। हमारे पास जो होता है वो पाया, जुबान, खाद, मगज और लाल मुठी होती है। हमारे पास लोग कहते हैं कि यार ज़रा क्यों नहीं बनाते, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हम मार्केट जाते हैं 5 घंटे, क्वालिटी में हम किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। 5 घंटे सिर्फ इस तरह के पायना इकट्ठा करने में लगते हैं। बकर मंडी से हम पाए इकट्ठे करते हैं, 5 घंटे बाद में उसकी सफाई करने में लगते हैं और 5 घंटे इसकी कुकिंग में लगते हैं। हमारा शोर हुआ इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, क्योंकि ना हम इसमें कॉर्न फ्लोर यूज़ करते हैं और ना ही आला रोड इस्तेमाल करते हैं। लोग हमारे पास गुजरांवाला, DHA और बैरिया से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। इसकी वजह से हमारे से ये सिस्टम जो है ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने संडे ऑफ कर दिया। हर किसी नाश्ते वाले का ना अपना जायका है, लेकिन हम ना अपने मेयार में किसी किस्म का भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास जो पाए ना वो लिमिटेड होते हैं। और इस तरह के पाए आपको लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे। लाहौरी ये अपने खुशखुराकी और जिंदा दिली की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और जब बात है लाहौर अंदरून शहर के खाबों की, तो सुभान अल्लाह लाहौर के अंदरून शहर के खाने अपना ही एक नाम रखते हैं पूरी दुनिया में। और लाहौर शहर के नाश्तों की मिसाल ऐसी है जैसे एक तरफ 125 भाग रही है और दूसरी तरफ हाया भूसा, इसका मुकाबला इनके नाश्ते का। आज का तकरीबन 3:30 का टाइम है और इस वक्त बेतहाशा रश है, लोग अन्य भाई इस वक्त निकल रहे हैं। जनाब ये इतवार की रात नहीं है, ये रात है जुमे की रात, हफ्ते का यानी दिन चल रहा है, वर्किंग डे है और लोगों का रश इस तरह है कि वाह क्या बात है। लाहौरिये इतवार को निकलते हैं स्पेशली नाश्ते के लिए, और ये वो दुकान है जो इतवार को खुलती नहीं भाई, बंद होती है। तकरीबन दिन के 1000 पाए बेचते हैं सिर्फ 1.5 घंटे में। मैं मौजूद हूँ अंदरून शहर में सुल्तानपुरा के इलाके में और आप मुझे रश देख रहे हैं। फजर की नमाज से तकरीबन 1.5 घंटा पहले खोल लेते हैं और फजर से पहले फारिग, यानी नमाज ही उठे जल्दी तहज्जुद पढ़े तो नाश्ता करे तो नमाज पढ़ो जा, ऐ काम है इनका। चलते हैं और खाते हैं और फिर टेस्ट का भी बताते हैं कि वाकई में जितना रश है टेस्ट है तो ये गन्ना ही बन गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है और मुझे लग रहा है कि काफी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं और इन्होंने अपनी गाड़ी को ही अपना टेबल बना लिया है ताकि उस पर वो खाना खा सके। आए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और कहाँ से इनको पता लगा कि यहाँ पर बेस्ट पाए मिलते हैं लाहौर के। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या है, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है जनाब? सब बेहतरीन। खाना आप खा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए माजरत, लेकिन क्या यार ऐसी बात है कि आप रात के 4 बजे यार पाए खाने? बस असल में माना मैच था क्रिकेट का, तो क्रिकेट खेल के भूख वगैरह आपको उधर लग ही जाती है, तो इसने मेरा दोस्त है इधर ही रहता था पहले, इसने मुझे कहा यार आज बड़ा मशहूर है उधर चलते हैं, बड़ा ये टेस्टी है। हम शिफ्ट हुए हैं डिफेंस, तो इधर रहते हुए तो कभी नहीं खाया, लेकिन इसने बड़ा मुझे इंसिस्ट किया यार डिफेंस हम थे इधर चलते हैं, मैंने कहा चलो यार जाके खा लेते हैं, तो वाकई बेहतरीन है। बर्गर बच्चे भी पाए खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबूत आपके सामने है। उन्होंने बताया कि भाई ये वाले भाई की रिकमेंडेशन पे हम आए हैं। सलाम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप बता दें कि क्यों लेके आ गए इनको यहाँ पर इतनी रात को? जनाब देखें, आप टेस्ट से अंदाजा लगा लें कितना रश है यहाँ पे, और बाकी आपको आप भी ऐसे ट्राई करें बहुत अच्छा लगेगा आपको। और दूसरी बात ये, हम जरा यहाँ के पहले रिहायशी थे और जिसकी वजह से जरा मैंने बाइक को ट्राई करवाया यहाँ का और बहुत मजेदार है। दरमियान वाली बात ये है कि भाई यहाँ से शिफ्ट हो गया, इसलिए इनको पता है हम भी ट्राई करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक। जी तो मेरे मोहतरमीन, उधर खाना खत्म और हमारा खाना शुरू, यानी 4:30 बज गए हैं, तो आपके इससे लेट आएंगे
पाए नहीं मिलेंगे। तो ये आपको नजारा लगाते हैं हमारे पास आया क्या है, गर्मा गर्म खोलता हुआ टेंडर पावा और साथ एक्स्ट्रा शोरबा ताकि आप पी के छोले छोले बना सके हैं। तो सबसे पहले पाए की टेंडरनेस देखते हैं कि टेंडरनेस है कि नहीं, बताओ मैं इसको क्या हड्डी पहले अंदर गिर गई और मैं हाथ नहीं डाल नहीं सकता, मेरा हाथ जल जाएगा इतना गर्म है। तो आप टेंडरनेस का अंदाजा इसी से लगा लें, यानी इतना टेंडर तो वो उठाया नहीं जा रहा, फुल गर्मा गर्म, गर्मा गर्म नान के साथ गर्मा गर्म पाया ट्राई करेंगे। क्या बात है, आपको पता है ऐसी चीजों का टेस्ट कहाँ आता है, जब इतना मजेदार हो पंजी भाई में रिव्यू देना बनता ही नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या बात है, शोरबे में आपने इसको डिप करना अच्छी तरह नान को अच्छी तरह भाई में आनी है और मिर्चों और मसालों के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो बड़े मोतदिल और नॉर्मल मसाले हैं, कोई इतना ज्यादा मसाला नहीं डाला हुआ कि आपको आएंगे और एसिडिटी हो जाएगी। मोस्ट रिकमेंडेड जगह है आपको लाहौर में, इससे बेस्ट पाए शायद आपको ना मिले। साढ़े ढाई लोग का टाइम हो गया, उस्ताद मनोगे पाए हर लाहौरी मजे से खाए। जा साड़े।